हेलो फ्रेंड्स, सूर्य नर्सरी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम मिनी सेवेंटी के पौधे के बारे में बात करेंगे। मिनी सेवेंटी का जो फ्लावर्स है वो बटन की साइज जैसा होता है, उससे बड़ा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं वो फ्लावर बेड्स में लगाया हुआ मिनी सेवेंटी का प्लांट है। मिनी सेवेंटी को मिनी क्रिसेंथेमम भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम मिनी नाताली भी है, जिसका फ्लावर्स ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जो नॉर्मल सेवेंटी होता है उससे थोड़ा छोटा होता है। जैसे कि अपना बटन रोज होता है उसकी तरह ही होता है, लेकिन दिसंबर के मंथ में इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है वो फ्लावर बेड में लगाया हुआ मिनी सेवेंटी का पौधा है और अभी बहुत सारी कलियाँ इसके ऊपर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स अपने घर पे फ्लावर बेड्स बनाना चाहते हैं और बहुत सारे फ्लावर्स उगाना चाहते हैं, तो ये पौधा अपने घर पे जरूर लगाए। तो फ्रेंड्स, इसके केयरिंग में ज़्यादा केयर करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे धूप आए वैसी जगह पे इसको उगा देने का, और नॉर्मली जब भी अपन पानी देते हैं तब इसको दे दे मिट्टी थोड़ा सा सूखा होने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी बहुत सारा फ्लावर्स आया हुआ है, और इसको जब एक बार बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए उसके बाद इसका कटिंग कर देने का एक बार, और कटिंग करने के बाद इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या फिर ऑर्गेनिक खाद दे देने का, ताकि इसका जो ग्रोथ है वो सबसे बढ़िया हो जाए। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, राउंड शेप में हमने लगाया हुआ है, और बीच में एक सुपारी पाम का भी पौधा लगाया हुआ है फ्लावर्स बेड्स में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारा फ्लावर्स देता है, उसकी वजह से अपने को दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये जो जब कलियाँ लगी थी तब का ये वीडियो हमने लिया था। फ्रेंड्स, आगे हम आपको बताएंगे कि इसका जो फ्लावर्स खुला है उसके बाद का जो वीडियो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि हमने एक दो दिन पहले ही लिया हुआ है, आज से एक दो दिन पहले ही लिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत सारी कलियाँ इसके ऊपर भी है और फ्लावर्स भी बहुत सारी उतनी ही मात्रा में आता है। तो फ्रेंड्स, ये एक सबसे बढ़िया अपना फ्लावर बेड्स के लिए सबसे बढ़िया प्लांट्स है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमने एक और शूट किया था वीडियो का, जब फ्लावर्स उसके खुल गए उसके बाद का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर्स इसके ऊपर अभी आप देख सकते हैं, और ये पूरा ठंडी का मौसम में ठंडी का मौसम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा पौधा है फ्लावर बेड्स के लिए, तो अपने घर पे ये पौधा उगाना चाहिए, ये मिनी क्रिसेंथेमम या फिर मिनी सेवेंटी का। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी मात्रा में आप देख सकते वही जगह का ये वीडियो है जहाँ पे हमने जब कलियाँ लगी थी तब शूट किया था, और अभी जब फ्लावर्स उसका ओपन हो गया है, जो कलियाँ थी वो खिल गई है, उसके बाद का ये वीडियो है, जो कि इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स इसके ऊपर खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं, और येल्लो कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर्स दिखने को आपको मिल गए। तो फ्रेंड्स, ये थी मिनी सेवेंटी के पौधे की बात।